हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे चुंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे नो योर महाभारत। महाभारत के बारे में जानना है, और आपको पता है कि महाभारत किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है हमें। यहाँ पे द महाभारत इज़ वन ऑफ द टू मेन इपिक्स इन इंडिया। तो महाभारत जो है वो इपिक है, यानी कि हमारा ग्रंथ है, ठीक है, महान ग्रंथ है। दिस वर्ल्ड पजल कंटेन्स द नेम ऑफ सम कैरेक्टर इन फ्रॉम द एपिक। तो इस महाभारत में कौन कौन से कैरेक्टर थे उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ क्ल्यू दे रखे हैं, उन्हें फ्रेम में हमें लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सन ऑफ भीमा, तो भीम के सन को हम क्या बोलते थे? अक्रॉस का मतलब है कि इस तरीके से हमें लिखना है, इस लाइन में लिखना है, और डाउन से मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो जो सन ऑफ भीष्म, तो सन ऑफ भीष्म पहले नंबर पर हमें लिखना है। तो इनका क्या नाम था? इनका नाम घटोलकच। तो जी एच ए, आप लिखेंगे जी एच ए टी ओ टी के ए सी एच ए घटोलकच। उसके बाद फाइव नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं अर्जुन चैरिटर ड्यूरिंग द महाभारत वॉर। तो कौन थे अर्जुन का जो रथ था वो कौन चला रहे थे? तो भगवान कृष्ण चला रहे थे। तो यहाँ पे हम कृष्ण लिखेंगे के आर आई एस एच एन ए कृष्ण। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड के लिए सन ऑफ द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के सन कौन थे? तो इनका नाम था अश्वत्थामा। कौन थे? अश्वत्थामा। चलिए एक ही साइड से करते हैं। फाइव नंबर गुरु ऑफ कैरो एंड पांडवा। तो कैरो, कौरव और पांडव के गुरु कौन थे? इनका नाम है द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे लिखें फाइव नंबर पे द्रोणाचार्य। कहाँ फाइव नंबर? यहाँ पे डी आर ओ एन ए द्रोणा सी एच ए आर वाई ए द्रोणाचार्य। स्कीमिंग यंगर ब्रदर ऑफ गंधारी। तो गंधारी का यंगर ब्रदर स्कीमिंग वो कौन था? तो उसका नाम है आपका शकुनी। कौन है? शकुनी। तो ट्वेल्व शकुनी हम क्या लिखेंगे? सिक्स नंबर पे एस एच ए के यू एन आई शकुनी। एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड गंधारी। तो गंधारी के जो एल्डेस्ट सन थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था दुर्योधन। क्या नाम था? दुर्योधन, डी यू आर यू वाई ओ डी एच ए एन ए दुर्योधन। एट नंबर ओनली सिस्टर ऑफ कैरो। कैरो की एक सिस्टर कौन थी? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था दुशाला। क्या नाम था? दुशाला। इलेवन नंबर पर दुशाला लिखेंगे डी यू एस एच ए एल ए दुशाला। फादर ऑफ भीष्म, भीष्म के फादर कौन थे? इनका नाम था शांतनु। एस एच ए एन टी ए एन यू शांतनु। सन ऑफ गंगा, गंगा का सन कौन था? तो इनका नाम था भीष्म। कौन थे? भीष्म। तो थर्टी नंबर पर हम लिखेंगे भीष्म। कहाँ पे? बी एच आई एस एच एम ए भीष्म। अब यहाँ पे आते थर्ड नंबर पे सन ऑफ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के सन कौन थे? तो इनका नाम था अश्वत्थामा। ए एस, चलिए इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ग्रीन से। ए एस एच डब्ल्यू ए डबल टी एच ए एम ए अश्वत्थामा। मदर ऑफ नकुल एंड सहदेव। तो नकुल और सहदेव की मदर कौन थी? इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम था मद्री, एम ए डी आर आई मद्री। वाइफ ऑफ पांडव, पांडव की वाइफ का नाम क्या था? तो नाम था द्रौपदी। तो द्रौपदी आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है डी आर ए यू पी ए डी आई द्रौपदी। सन ऑफ अर्जुन डेड इन वॉर। अर्जुन का सन जो युद्ध में मारा गया वो कौन था? तो वो था अभिमन्यु। तो एट नंबर पे हम लिखेंगे अभिमन्यु, ए बी एच आई ए बी एच आई एम ए एन वाई यू अभिमन्यु। एल्डर ब्रदर ऑफ कृष्णा, कृष्णा के बड़े भाई कौन थे? बलराम। उनका क्या नाम था? बलराम, बी ए एल आर ए एम बलराम। टेन नंबर मदर ऑफ कर्ण युधिष्ठिर अर्जुन एंड भीष्म। तो कर्ण युधिष्ठिर अर्जुन और भीष्म की मदर का क्या नाम था? तो उनका नाम था कुंती।
KUNTI कुंती। तो दोस्त यहाँ पे हमने महाभारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और कैरेक्टर्स जो थे उनके बारे में जाना, कौन किसके पिता थे, कौन क्या थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। एंड फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।